establishment of multi-religious and multi-cultural state by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो जो कल्चर था अरब का दौरे जहलियत का, वो कल्चर ऐसा था कि एक वेल, वाटर वेल, पानी के वेल के ऊपर अगर दो कबीलों में झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा कई सदियों तक ख़त्म नहीं होता था. इतने छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर जो हैं लोग जो हैं वो खून खराबा करते थे. वैसी सिचुएशन में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक स्टेट, एक मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस एक सोसाइटी वजूद में लाई जहाँ पर यहूदी भी थे, ईसाई भी थे और मुशरिकीन भी थे और मुस्लिम भी थे मदीना में. और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोसाइटी को डिक्लेयर किया और तब एक चार्टर पेश किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको चार्टर ऑफ मदीना भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहते हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट काउंट होता है ह्यूमन हिस्ट्री में. और अरेबिक में उसको दस्तूर अल मदीना भी कहते हैं और मीसाक अल मदीना के नाम से भी जाना जाता है. उसका आर्टिकल नंबर 30, द ज्यूज ऑफ बनी ऑफ विल बी ट्रीटेड एज वन कम्युनिटी विद द बिलीवर्स. अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियनिज्म सो चीज़ें हम इकट्ठे नहीं होते. हुज़ूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल डिफरेंट रिलीजियस आइडियोलॉजी को भी वन कम्युनिटी डिक्लेयर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में. द ज्यूज हैव देयर रिलीजन, दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू देयर फ्रीडमैन, उनके स्लेव्स वगैरह और आज़ाद लोग. द एक्सेप्शन विल बी दोज हु एक्ट अनजस्टली एंड सिनफुली. वो ऑब्वियस ही बात है, हर डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है. जो इंसान जो हैं सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं, अनजस्ट हैं, उनको उसी तरह से टैकल किया जाता है. आर्टिकल नंबर 31, द सेम अप्लाइज टू द ज्यूज ऑफ बनी अन नजार, ये भी एक कबीला था. द बनी अल हारिस और बनी सायदा और बनी जुशाम और बनी अल औस, इन सब पे भी सेम अप्लाई होता है. ये भी मुसलमानों के साथ एक कम्युनिटी, एक नेशन है, एक उम्मत है. आर्टिकल नंबर 17 जो उन्होंने भी मेंशन किया था अखलाक भाई ने, नो ज्यू विल बी रॉन्ग फॉर बीइंग अ ज्यू, ओपन फ्रीडम दे दी रिलीजन. क्यों? क्योंकि कुरान का कॉन्सेप्ट है ला इकराह फिद दीन, दीन में जबर नहीं है. ये मामला यहां से शुरू होता है. और एक आयत भी है कुरान पाक की, आप ससलम को फरमाया गया कुल इन कुंतुम तहिबून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि तुम इनसे कह दो ए रसूल सल्लम, आप कह दें कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इताअत करो. शुरू मोहब्बत से हो रहा है, इताअत तो रिलीजन को फॉलो करो तो तुम्हें बदले में अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी. तो ये मसला सारा इधर का है. ये हम जबर से किसी को ना मुसलमान बना सकते हैं, ना है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है जबर की. उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है क्योंकि वो दिल से नहीं है.